एक उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी की एक अहम मीटिंग सीनियर कांग्रेसी लीडर श्री रोशन लाल खुंगर जी के निवास स्थान पर हुई, जहां पर स्थानीय विधायक दविंदर सिंह कुबाया विशेष रूप से पहुंचे। उनके साथ नगर कौंसिल प्रधान एडवोकेट सुरेंद्र सचदेवा, आड़त्या एसोसिएशन के प्रधान दविंदर सचदेवा, पार्षद संजीव सचदेवा गोल्डी के अलावा सीनियर कांग्रेसी परमजीत सिंह पम्मी भी विशेष रूप से पहुंचे और इस मौके एक उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान श्री रोशन खुंगर जी ने बताया कि कैसे पिछले कई सालों से उनकी एक सोसाइटी जो लोगों की सेवा कर रही है और यह सोसाइटी किसी से कोई चंदा कोई पैसा नहीं लेती और जिन लोगों की यह सेवा करती है उनका नाम किसी भी अखबार या चैनल प्रकाशित नहीं करती। उनका मानना है भी दान देना है और दान एक हाथ से देना दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इस मौके और उन्होंने क्या कुछ कहा ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारी पूरी कवरेज देखें। जी पम्मी हमारे नीला प्रधान जी साथ में आए हैं, गोल्डी से देवा जी, राधे श्याम के मासिक राशन वितरण समारोह में उपस्थित आज के हमारे मुख्य मेहमान नौजवान जिलों की धड़कन और विकास दूत विधायक देवेंद्र गुवाया जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री रोशनलाल जी खुंगर साहब, सरदार परमजीत सिंह जी पम्मी, आरती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बड़े भाई देवेंद्र सचदेवा जी, पार्षद संजीव सचदेवा जी, महेंद्र जी, नीला मदान जी और मातृशक्ति अपने नाम के अनुरूप उन लोगों के लिए यह संस्था उम्मीद की किरण बनी है जो असहाय है, किसी को गरीब कहना शायद उसका अपमान होगा, इसलिए असहाय शब्द जरूरतमंद शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। करने वाला परमात्मा होता है, लेकिन इन लोगों ने जो उद्यम किया है, जो साहस किया है और आज से नहीं 2013 से ये संस्था हर मास हर महीने इन असहाय लोगों को परिवारों को राशन वितरण का जो आयोजन करते हैं ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। एक प्रधान भी रहे, पूरी जिंदगी इन्होंने इस शहर की कुंगर साहब ने सेवा की थी और पूरी सोसाइटी मैं समझा कि बड़ी वड्डी सेवा निभा रही है। जिते सारे ही सत्कार योग शख्सियत पहुंचिया ने, मैं सारे का नाम लवाना बड़ा टाइम लग जाना, सो अज मैं भी माण महसूस कर रहा कि मैं इथे इस सोसायटी ने मेनू बुलाया और जेड़ा अज असि बजुर्गा नूं ते बच्चा नूं जेड़ा राशन वंड रहे हैं और मैं साडे प्रधान जी नाल खड़े है सारे आपां इस शहर दे लई इस इलाके दे लई 24 घंटे सेवा दे विच हाजर हां, जिथे भी होर भी अंकल जी जिथे लोड पवे मेरी और पूरी कमेटी और पूरे एमसी साडे प्रधान जी सारे असीं तुहाडे नाल आ, इस सोसाइटी दे कोई सेवा दी लोड़ होवे तो सानूं याद करियो और जिथे भी कोई काम पैंदा है असीं 24 घंटे तुहाडे नाल खड़े हां, तुहाडा सारिआं दा इत्थे पहुंचण ते की प्रोग्राम अज साडे बहुत ही सत्कारयोग रोशन लाल खुंगर जी दे ग्रह विखे जिहड़ा इक उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी वल्लों बेसहारा लोकां नूं जिहड़ा राशन ते कपड़े दित्ते जांदे आ अज उहनां ने इत्थे तकसीम किए सारे और मैनू भी इतने बुलाया और बड़ा मैं माण महसूस कर रहा हूं और
वेलफेयर सोसायटी मैं समझा बहुत वधिया और जरा सेवा इस शहर की कर रही है कि जेडे बेसहारा लोगों को कपड़े दे खान पीन का समान और जो भी उन्होंने लोड़ होती है उन्होंने वंटते हैं और इन्होंने भी मैं कहा कि मैं भी इस सोसायटी के नाल जिथे मेरी लोड़ होगी मैं इन्होंने नाल इस सोसायटी किन्ने सालों से चल रही है 2000 जिवें ना दस्सिया कि 2013 तो चल रही है 8 साल हो गए और हर महीने जिहड़ा है राशन दिंदे बड़ा वड्डा और मैं समझा बड़ी वड्डी शहर दे विच इक सोसायटी चल रही है जी कई सालों तो चल रही है किस तरह काम कर रही है जी बड़ा ही सराहनीय है काम है एक उम्मीद वेलफेयर सोसायटी अपने नाम के अनुरूप उन्होंने लोगों के वास्ते उम्मीद की किरण है जेडे भजन तो अपने आप कर सकते हैं पर भोजन की व्यवस्था उन्होंने इस करके उन्होंने भोजन की व्यवस्था करना और हर महीने करना यह अपने आप बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और मैं उम्मीद करता कि यह संस्था इसे तरह फालका के वास्ते काम करती रहे। अज एमएलए साहब न कई लेडीज मिलियां जिन्हों को जगह नहीं हैगी रहन वास्ते जो उन्होंने एमएलए साहब मांग की है भी सानू शहर में कोई जगह दवाई जाए तो की नगर कौंसल वालों ऐसा कोई उपराला किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो आदेश मैनू साढ़े विधायक साहब वालों होगा उसकी इन बिल की किया जाए असि हर टेंपू लगाने अखा टेंपू लगाने आरओ ला के शहर आम साढ़े को रुझान ना कोई ना कोई कोई ना कोई जिम्मे साहब का आदेश आ गया होर आ गया अभी कद भी सारे पालना करने साढ़े कोई भी जरूरतमंद अगर चल के आ जाता अभी खाली नहीं मोड़ते कोई ना कोई दे के टोरने हाँ इन्ना है किसी ज्यादा दे देने किसी थोड़ा दे देने लेकिन खाली नहीं मोड़ते हर से असि हर तरह के भलाई के काम जोड़े ना साढ़े वो चलते रहते ने अभी कभी भी हर काम हिस्सा लें जिवें यह संस्था काम कर रही है किस तरह काम कर रही है साड़ी रसोई दे विच असीं 131 कट्टे कणक करदे हर साल होर भी असीं कुछ सानूं साडे ते बंदिशां ने सानूं कहा है साडे जिहड़े बजुर्गां नाल सानूं समझाया है कि तुसीं प्रचार नहीं करना दान उही हुंदा है जिहड़ा इक हथ नाल देवे ते दूजे नूं पता ना लगे तो अभी उन्हें भी चलने अभी ज्यादा प्रचार नहीं करते लेकिन जो काम एक उम्मीद वेलफेयर सोसायटी कर रही है बहुत ही सराहनीय काम है और रोशन लाल जी का बड़ा वड्डा उपराला है 8 साल हो गए इन्होंने काम करद 9 साल ते जिहड़ा इन्ना वधिया इन्ना वधिया तरीके नाल जिहड़ा काम करते ने जिस तरह एमएलए साहब ने कहा सानू भी अज बड़ी खुशी हुई है साडा मान वधिया है सानू इन्होंने इत्थे बुलाया है मैं सारे का कुंगर साहब का एमएलए साहब आंदा भी साढ़े प्रधान जी का बहुत बहुत सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने सानू मान बख्शा सानू इत्थे बुलाया बहुत बहुत धन्यवाद। लोड़ क्यों महसूस होने लगी जी? मैं इत्थों अमेरिका गया सी 2013 च मेरा बेटा उत्थे अमेरिका रहिंदा मैनू उन्होंने कहा अपने डैडी भगवान ने बड़ा कुछ दिता है कि तुसी आ काम चालू करो ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2013 ਚ ਆ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁ ਗਜਾਨੰਦ ਬੇੜੀਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ 35 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੰਥਲੀ 200 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਟਾ 10 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹਲਦੀ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ 2 ਚੱਕੀਆਂ ਦਾਲ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆਪਣੇ ਘਿਓ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਲੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਲਈਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 80G ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ
हर साल बार रिटर्न जाती है एंड बिल्कुल जेन्युइन काम है कोई इन किसी पहला बिना साइन किए बिना दस्सक रहे असी रजिस्टर बकायदा मेनटेन है तुम दिखाया आप रजिस्टर उनके मुताबिक असं सारू करने तो किसी नाल कोई पार्शियलिटी नहीं साडी कमेटी बनी हुई है कमेटी जाके पहले वेरीफाई करती है असं सिर्फ विडोज राशन देने आ साडी एक पहले सोसायटी दे विच एक असी मैडिकल देने कोई जरूरतमंद आ जाए वह भी देने बच्चों स्कूलों की असी उन्होंने कापिया किताबा असी बच्चों भी देने हम पिछे कॉलेज से तीन चार पांच बच्चे से कॉलेज के जिन्हें दो दो हज़ार रुपये दिता अस जोड़ा कि एडमिशन ली उन्होंने स्कूल उस दिन रात शाम के वार्ड के एक लड़की आ गई अपने वो बीमार से उन्हें फरीदकोट इलाज कराया उन्होंने 1500 रुपये दिता जिस जिन्ना भी हो सके असं करने और सारे सहयोग न सारा काम चलता पे बाकी बड़ी मेहरबानी साहब दी। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।